चलिए बताइए आप क्या खाना बनाई है भाभी जी? बताइए। मैंने चावल बना लिया है, इसमें दाल है, गुजिया है एंड रोटी सब बन चुका है, सबने नाश्ता भी कर लिया है। तो आप एक बार मुझे बोल सकती थी ना कि हाँ चलिए दीदी खाना बन चुका हुआ है, आप थोड़ा नाश्ता कर लीजिए, आई है सुबह से कुछ खाई थी नहीं है। अच्छा बस अपने में लगी रहती है। एक बार बता सकती थी ना कि हाँ दीदी खाना बन चुका है, कुछ नाश्ता पानी कर लीजिए। मैं सोच रही हूँ कि आप अपने में लगी हुई है, एक बार पूछी भी नहीं है। सोचा तो बता, यही मम्मी रहती तो आओ चलो बेटा खा लो पी लो, यही होता है। मम्मा का पर्सन भाभी कभी नहीं कर सकती। मम्मा 2 महीना ला बाहर क्या चली गई, आप अपने में लगी रहती है। मेकअप आर्टिस्ट बनी हुई है, कभी हुआ है कि हाँ दीदी चलिए आपको मैं दुल्हन बना दी? दीदी मैंने आपका मेकअप किया दी, ऐसे मत बोलिए। अभी आप कितनी सुंदर लग रही है। तो भैया मैं खुद की हूँ ना, आप नहीं है कि आप तो अपने में लगी रही हुई है। दीदी मैंने भी मेकअप नहीं किया, थोड़ा बस आज मेरा मन किया इसलिए मैंने थोड़ा सा कर लिया। अब उससे चलिए खाना खा लेते हैं। हाँ चलिए खाना हमको दीजिए। ठीक है, शाम को आज मन पसंद खाना बनना चाहिए। देखिए आपके आज जीजा जी आ रहे हैं। ठीक है ठीक, मैं जा रही हूँ। ठीक, आप अपना मेकअप ही कीजिए। ठीक ठीक, देखा तो रोज का है यार यही खिच खिच। गाइस अगर पार्ट 2 अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट करना। मैं इसी तरह दंत भाभी का वीडियोस कंटिन्यू रहेगा। ओके।